एमएसपी सहित अन्य कृषि बिलों को रद्द करने की मांग को लेकर लगातार आंदोलन करने वाले किसानों द्वारा गणतंत्र दिवस के मौके पर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में निकाले जाने वाली किसान ट्रैक्टर यात्रा को समर्थन देते हुए समाजवादी पार्टी सुप्रीमो पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को निर्देश पर सपाइयों के कोंच नगर में जोरदार तरीके से ट्रैक्टर यात्रा निकाली गई। देखिए जालौन कोंच से हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। ट्रैक्टर जो यात्रा निकाली है इसमें क्या कार्यक्रम था? राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के आह्वान पर पूरे प्रदेश के प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर समाजवादी पार्टी किसानों के साथ ये ट्रैक्टर यात्रा का आज शुभारंभ किया गया हर तहसील पर। इस तहसील और इसका उद्देश्य है कि ये केंद्र ने जो 3 काले कानून बनाए हैं और उन काले कानून पर कई बार मंत्रियों के बीच बैठक की है लेकिन कभी प्रधानमंत्री ने उनके बीच बैठ के बात नहीं की है। जब तक कानून वापस नहीं होगा तब तक किसान आंदोलन में है। हम लोग भी उन किसानों के साथ हैं और उसी उद्देश्य से जब तक कानून वापस नहीं होगा हम लोग भी समाजवादी पार्टी के एक एक कार्यकर्ता किसानों के साथ हर आंदोलन में उनके साथ खड़ा है। उसी जैसे आज उन्होंने दिल्ली में ट्रैक्टर की परेड निकाली तो हम लोगों ने प्रत्येक मुख्यालय पर ट्रैक्टर के माध्यम से प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि या तो आप काले कानून वापस ले लो नहीं आज से कल से ये हमारा जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का जितना अधिकतायित कार्यक्रम आएगा हम लोग सड़क पर उतर कर सरकार के खिलाफ आंदोलन करेंगे। क्या आपकी अगर मांगे नहीं मानी गई क्या आंदोलन जारी रहेगा? जारी रहेगा, राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है जारी रहेगा और समाजवादी पार्टी पूरे किसानों के साथ है और उनके हर आदेश का किसानों के पालन करते हुए उनके एक एक आदेश का पालन करते हुए किसानों के साथ खड़ी है। आज ही कहाँ के रहने वाले हो? ग्राम प्योलारी डिस्ट्रिक्ट जालौन का रहने वाला हूँ। मेरा नाम शिवम कुमार जाटव है। अच्छा, तो यहाँ इस किसान यात्रा में आए हो ट्रैक्टर यात्रा में, क्यों आवश्यकता पड़ी आपको यहाँ आने में? ये तो दिल्ली की बात, ये तो यहाँ की बात है, ये तो ईगल तो साढ़े मुल्क की है और साढ़े गुरु ने तो सानू ईगल सिखाई है। गल सुन सरकारे, असी पिंड आले सिद्धे जरूर हैं पर साढ़े गुरु ने सानू ईगल सिखाई है ना जुलम करना ते ना जुलम सहना ते। मोती तू तो तक रहा साढ़िया जमीना मलड़ फिरतियाँ ये दिन नहीं आना, दस के रख देंगे दस के। कौम पिंड साड़ी कौम है, पूरी दुनिया से राज कर दिया थी, शर्म की गल साढ़े मुल्क चा वीरू कह जाने हिंदुस्तान सरकार ने मंगिया से साढ़े सैनू हक नहीं मिलते। ये जो पंजाबी आप बोलते हो ये कहाँ से सीखी है आप? ये मैंने किताबों से ही सीखी है और मैं पंजाब में गया हूँ, सिंधी बॉर्डर भी गया हूँ, गाजी बॉर्डर भी गया हूँ, टिकली बॉर्डर भी गया हूँ, पर प्रोटेस्ट के लिए, फार्मर प्रोटेस्ट के लिए। किसानों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? किसानों के लिए यही कहना चाहेंगे कि जब तक आपके तीनों कानून वापस नहीं होते जब तक ये प्रोटेस्ट आपको छोड़ना नहीं है। और ये तो इंडिया ही है, हमारे प्रोटेस्टर तो कनाडा और अमेरिका में भी अपने प्रोटेस्ट करने के लिए जा रही है और कनाडा में भी ये प्रोटेस्ट जारी है।